हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक डेब्ट फ्री भी है और दोस्तों स्टॉक के प्राइस हमें काफ़ी निचले स्तर पर रपले में 700 से 800 रुपए के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने मिला था। वहाँ से आप लोगों को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाती हुई देखने को मिलेगा क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। दोस्तों 800 रुपए के स्टॉक हमें 1400 रुपए के क्रॉस करके भी आगे जाती हुई देखने को मिला और यहाँ से काफी अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है क्योंकि आजकल इंटायर सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है जिसके वजह से इस स्टॉक ने भी बहुत स्ट्रांग तरीके से गिरावट शो किया है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि स्टॉक है कौन सा। तो दोस्तों वीडियो से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 2% के अप्रोक्स में गिरावट शो किया है। हालांकि पिछले 1 month की बात करेंगे तो यहाँ पे 8% के अप्रोक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें पिछले 6 month का इसका प्राइस का ग्राफ का तो यहाँ पे 1% के आसपास का ओनली हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों पिछले 1 साल की इसका प्राइस के ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पे 42% से एबव का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है जो कि अपने आप में काफी स्ट्रांग है। हालांकि पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने काफी उतार चढ़ाव शो किया है लेकिन दोस्तों एवरी गिरावट में हमने इस स्टॉक में वीडियो बना के आप लोग से डिस्कस किया था दोस्तों इसमें हमें खरीदारी करना चाहिए और जिसने भी हमारे वीडियो को फॉलो किया उसको अभी तक बहुत स्ट्रांग तरीके से इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है और सेम सिचुएशन में यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी हमारे लिए खरीदारी का अच्छा खासा मौका देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक ने बहुत स्ट्रांग तरीके से मुनाफा दिया है यानी कि एवरी ईयर 100% के आसपास का मुनाफा जबरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहा है इसका प्राइस का ग्राफ। दोस्तों वहीं हम बात करेंगे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस का ग्राफ का, यहाँ पे 8,348% से एबव का मुनाफा दिया है इस स्टॉक ने अभी तक और इसका प्राइस ग्राफ देख के भी हमें जैकपॉट स्टॉक देखने को मिल रहा है और स्टॉक रियल में जैकपॉट ही है। दोस्तों वहीं हम बात करेंगे आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने कितना परसेंट का खरीदारी शो किया है तो ये भी फिगर आप लोगों के सामने में देख सकते हो, 55% के अप्रोक्स में जबरदस्त हमें डिलीवरी का पोजीशन देखने को मिल रहा है दोस्तों जिसके वजह से फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों हम बात करेंगे इसका 52 week लो एंड हाई का, स्टॉक ओनली 820 रुपए के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने मिला था जो कि 1448 रुपए का इसका हाई भी हमें देखने को मिल रहा है जो कि इसका 52 week हाई है। दोस्तों वही हम बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का तो 1 रुपए हमें देखने को मिल रहा है। जो कि बात करेंगे क्वार्टर का रिजल्ट का दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने बहुत स्ट्रांग तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो किया है अकॉर्डिंग टू सेप्टेम्बर क्वार्टर, तो रिजल्ट भी काफी स्ट्रांग है। बस यहाँ पे गिरावट का एक ही रीजन हमें देखने को मिल रहा है, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध का सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से इंटायर सेक्टर में गिरावट देखने को मिला है और इस स्टॉक में भी अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन एक गिरावट आगे भी थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलेगा, हालांकि स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है जिसके वजह से फ्यूचर में इसका प्राइस काफी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे देख सकते हो 70% से एबव का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है प्रमोटर का। जो कि बात करेंगे क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे कोई प्रमोटर का शेयर हमें प्लेस फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों हम बात करेंगे रिजर्व सरप्लस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप लोग के सामने में देख सकते हो रिजर्व सरप्लस का फिगर भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। सबसे अच्छी बात यह है कि एवरी ईयर कंपनी जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में फिगर शो किया है दोस्तों और आगे भी ऐसा ही हमें फिगर देखने को मिलेगा क्योंकि स्टॉक अभी तक बहुत अच्छा खासा हमें देखने को मिला है। यहाँ पे बात करेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो एकदम से 0 फिगर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। जो कि बात करें शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का, तो इस साल यहाँ पर भी हमें बिल्कुल 0 फिगर देखने को मिल रहा है जो कि 100% कंपनी डेट फ्री भी है। दोस्तों स्टॉक अपने आप में जैकपॉट है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। यहाँ पे फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफी स्ट्रांग है, एवरी ईयर जबरदस्त इंक्रीमेंट के साथ में हम यहाँ पे फिक्स एसेट का फिगर में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो
रफली 29,693 करोड़ का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। जो कि बात करेंगे सेक्टर के पीरिश्यू का, तो यहाँ पे 111.43 देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पीरिश्यू से इस स्टॉक का पीरिश्यू हमें काफी निचले स्तर पे, यानी कि जो इसका प्राइस हमें देखने को मिल रहा है वो भी दोस्तों काफी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे हम बात करेंगे इसका रेवेन्यू के रिगार्डिंग, यहाँ पे रेवेन्यू का ग्राफ भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेट प्रॉफिट का ग्राफ की बात करेंगे तो इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक एवरी ईयर जबरदस्त प्रॉफिट शो किया है दोस्तों, और आगे भी इसका हमें फिगर ऐसा ही देखने को मिलेगा। स्टॉक अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है, स्टॉक जैकपॉट है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। यहाँ पे सेल्स की रिगार्डिंग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सेल्स का फिगर दिसंबर क्वार्टर में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से कंपनी ने शो किया है, जिसकी वजह से बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा हमें यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक में एफआई की होल्डिंग का, डीए की होल्डिंग का, उससे पहले बात करेंगे प्रमोटर का, तो यहाँ पे 70% से एफआई का में होल्डिंग देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें एफआई की होल्डिंग का, यहाँ पे 4% के आपस में होल्डिंग है दोस्तों। जो कि बात करेंगे डीए की होल्डिंग का, यहाँ पे 7% के आसपास का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग भी 18% से एफआई का है। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। दोस्तों बात करेंगे कि अगर इस स्टॉक में यहाँ से थोड़ा बहुत और हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इसका प्राइस 1000 के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 1500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। स्टॉक अपने आप में जैकपॉट साबित हुआ है अभी तक, और आगे भी इसमें काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।